नमस्कार, मैं हूँ प्रशांत त्रिपाठी और ये हिंडन का ये नज़ारा है और देख सकते हैं कि रात के 12 बजे हैं और जो इसके इंचार्ज हैं सर, आपसे माफी के साथ सर, मेरा कोई अधिकारी मिलता था, आप मेरे अधिकारियों से बात की थी। माहौल क्या है बता दीजिए सर, आपके सामने जो है दिख रहा है सर, आप देख लीजिए सर प्लीज। माहौल क्या है ये दिख रहा है रात के 12 बजे, आप देख लीजिए सर, आपके आप आए हो तो आपको दिख रहा होगा सर प्लीज। ये कोविड पेशेंट है सर? हाँ जी, ये कोविड का सेंटर है सर, ये सारे कोविड में। सर ऐसा भी है क्या कि इनको घंटों घंटों लाइन लगानी पड़ रही है? सर आप परिजन से पूछिए, वो बता देंगे। देखिए ये फैमिली मेंबर्स हैं जो शायद अपना टाइम की वजह से मुझे टाइम नहीं बता रहे हैं, लेकिन रात के 12 बजे गाजियाबाद हिंडन के पास क्या माहौल है, क्या सीन है, हम आपको दिखा रहे हैं। लाशों का जो अंबार है वो किस तरह से है। प्रशांत त्रिपाठी, अभी सीनियर प्रोड्यूसर हूं मैं न्यूज़24 में। अगर आप भी चाहते हैं कि अपने परिवार को बचाएं, संभालें, तो प्लीज़ निवेदन है, मान जाइए, घर से बाहर मत निकलिए। ये हालात बहुत बुरे हैं। कारण ये है कि दाह संस्कार के लिए भी आपको वो कर गुजरना होगा जो आप सोच नहीं सकते। आपको रिश्वत देनी पड़ेगी ताकि दाह संस्कार कर सकें रात के 12 बजे। आपको इस वजह से बता रहा हूँ और ये दुख तकलीफ दर्द सिर्फ मुझे इस वजह से है कि मैंने अपने को खोया है। मैंने अपने आप मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, एक पत्रकार हूँ, बहुत कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये जलती हुई चिताएं शायद बहुत कुछ कह जाएं। आप यकीन करिएगा प्रशांत त्रिपाठी, यकीन करिएगा, प्रणाम करता हूँ सबको। आप घर में सुरक्षित रहिए। नमस्कार।